नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हल्द्वानी वासियों को बड़ी सौगात, 38 करोड़ की लागत से बने एसटीपी प्लांट का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। इंटरनेशनल लेवल पर चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा। हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में टली सुनवाई, उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त, अब 2 मई को होगी अगली सुनवाई। दायित्व बंटवारे की हलचल बढ़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज, शासन ने तलब किया खाली पदों का ब्यौरा, कांग्रेस को भी इंतजार। और खनन समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, खनन माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप, बीजेपी का पलटवार, अफरा तफरी का माहौल बना रही कांग्रेस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे की। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। 38 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी प्लांट से उम्मीद है कि शहर को सीवेज की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि 35.58 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट, साथ ही 3 करोड़ की लागत से लीगेसी प्लांट को नगर निगम ने तैयार कराया है। ये प्रोजेक्ट मेयर जोगेंद्र रौतेले का ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया है। वहीं क्षेत्र में इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को विकास के पद पर अग्रसर बताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी वासियों को सौगात भी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघर बनाए जाने के लिए जल्द बजट तैयार करने के लिए कहा है। क्षेत्र में नशा मुक्त केंद्र बनाया जाएगा, साथ ही आधुनिक कैथ लैब भी बनाई जाएगी। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है, हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सभी स्वच्छ रूप में आगे। यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर विभाग की समीक्षा बैठक ली। विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को जल्द लंबित एनओसी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रेलवे अतिक्रमण मामले में अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। सीएम धामी ने जिले के सभी विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं, और इस बैठक में कई विधायक, मेयर के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलंब होता है। और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े, इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी, उस समीक्षा में बात करी। और अब बात बड़ी खबर की करते हैं। हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस मसले पर उत्तराखंड सरकार और रेलवे विभाग की तरफ से वक्त की गुजारिश को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है, और अब इस मसले पर 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। तो आपको बताएं, ये मामला साल 2016 में शुरू हुआ। संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने को कहा था। लोग रेलवे की जमीन पर बसे 4000 से ज्यादा लोगों का, आपको बता दें कि रेलवे की जमीन पर बसे 4000 से ज्यादा लोगों का ये कहना था कि उनके तथ्यों को नहीं सुना गया, यानी कि लोगों का कहना था कि हाईकोर्ट में उनके तथ्यों को नहीं सुना गया, जिसके बाद इस मसले पर हाईकोर्ट में ये वाद चलता रहा। और 20 दिसंबर 2022 को ही हाईकोर्ट ने रेलवे की इस जमीन से, यानी कि 78 एकड़ जमीन पर बसे अतिक्रमण को हटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। यानी कि हाईकोर्ट ने
अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए और ये एक हफ्ते का समय दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्टे लगा दिया और इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी यानी कि मंगलवार तय की गई। मगर अब सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है, लिहाजा अब इस मसले पर अगली सुनवाई 2 मई को होगी। वहीं अतिक्रमण मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, वो मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिस प्रकार से भी आएगा, जो भी हम लोगों के लिए राज्य सरकार की जो भी बात होगी उसको करेंगे। रामनगर पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ने भर्ती धांधली पर बयान दिया। ऋतु खंडूरी ने कहा कि जब बड़ी चीजें बाहर निकलती है तो उन्हें फौरन साफ करना मुश्किल होता है। सरकार भर्ती धांधली के दीमक को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पारदर्शिता के साथ सरकार भर्ती परीक्षाएं करा रही है। वहीं साल 2001 से 2016 की भर्ती पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटिया रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट साइट पर मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आप एक तो सब जूडिस मामला है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसमें कहना नहीं चाहूँगी। कोटिया रिपोर्ट हमने ट्रांसफर मतलब हमने वेबसाइट पर डाल दी है, उसको आप पढ़िए और कोटिया रिपोर्ट क्या कहता है उसको आप पढ़ के समझिए कि मुझे उस पर क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहूँगी। उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार में दायित्व की सौगात मिल सकती है, इसको लेकर संगठन से लेकर शासन स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा कार्यकर्ताओं के दायित्व की सौगात की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। बीजेपी संगठन से लेकर सरकारी स्तर पर दायित्व बंटवारे को लेकर तैयारियां तेज है। शासन की तरफ से जिन निगमों में दायित्वधारियों के पद खाली हैं, उनका ब्यौरा अगले 3 दिन के भीतर मांगने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही संगठन अपने उन वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट सौंप देगी जिनका पार्टी में अहम योगदान रहा है। और हमने दायित्वधारियों की सभी सूची पर प्रारंभिक तैयारी कर ली है। हम इसी महीने संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को सूची दे देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यथाशीघ्र दायित्वधारी हमारे इसमें बन जाएंगे और खास तौर पर हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रथम सूची में महत्व देने वाले हैं। दायित्वों के बंटवारे की हलचल तेज होने के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस पक्ष में हैं कि दायित्वों का बंटवारा अब जल्द होना चाहिए ताकि जो मंत्री काम नहीं कर पा रहे उनके काम दायित्वधारी कुछ हद तक पूरा कर सके। अच्छे लोगों को दायित्व दें ताकि जो ये अपने जिम्मेदारियों को मंत्रीगण पूरा नहीं करे, शायद दायित्वदारियों की मदद से वो पूरा हो सके। दायित्वों का बंटवारा अब होगा तब होगा, ये लंबे वक्त से चला आ रहा है और एक बार फिर दायित्व बंटवारे को लेकर हलचल तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की ये मुराद जल्द पूरी होती है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस कायम है। इन दिनों कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राज्य के अलग अलग मसलों पर सरकार को घेर रही कांग्रेस ने खनन मामले पर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खनन मामले पर सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है। कांग्रेस का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों का खनन माफियाओं के साथ गठजोड़ है, जिस वजह से खनन माफिया राज्य में हावी है। महारा ने कहा कि निदेशक खनन खुद इस मामले में संलिप्त हैं, खनन निदेशक के बेटे खनन का कारोबार कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि खनन के जरिए अधिकारी खुद को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेते हुए जांच करनी चाहिए। 5 साल के क्रेशर के पट्टे को 10 साल का करना, ये भी अपने आप में शंका पैदा करता है। तो सब कुछ घोटाला चल रहा है और विभाग के एक बड़े डायरेक्टर के ऊपर एनजीटी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने नज़दीकी को, जिसको नहीं दे सकते कानून था, उसको क्रेशर खोलने की परमिशन दी है और देहरादून जो रेड जोन में था उसको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट बिना पर्यावरण विभाग के NOC के किया गया है। जो अपराध करने की नीयत से किया गया है उस अपराधी उस अधिकारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके समय में जितने क्रेशर्स सैंक्शन किए गए हैं उन सब की भी जांच करनी आवश्यक होगी।
वहीं विधानसभा सत्र पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महारा ने कहा कि प्रदेश सरकार के सत्र का समय काफी कम होता है और दूसरी तरफ सरकार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे नहीं उठाती। महारा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वो सोमवार के दिन भी सत्र को चलाए। करण महारा ने कहा कि वो अपने इस मांग को लगातार 5 सालों से उठा रहे हैं कि सोमवार को भी सत्र की कार्यवाही चलनी चाहिए और सोमवार को चलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं भी 5 साल तक लगातार इस बात को सदन में उठाते रहा कि सोमवार को सदन चलना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल में सोमवार के दिन सदन नहीं चला। केवल उस दिन सदन सोमवार को बुलाया जाता है जिस दिन कंडोलेंस होती है, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल न चल सके। खनन माफियाओं के संरक्षण देने के कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार नकल और खनन माफियाओं पर एक्शन ले रही है। उन्होंने कांग्रेस के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो खनन माफियाओं के ऊपर जितना शिकंजा कसा जा सकता है, हम लोग बहुत गंभीरता के साथ उनसे निपट रहे हैं। जहाँ तक खनन का प्रश्न है तो कांग्रेस की सरकार खनन पर ही गई थी, शराब नीति और खनन पर गई थी, तो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? आज की तारीख में हम लोग कोई भी गलत काम करने की किसी को छूट नहीं देने वाले हैं। जो भी गलत करेगा वो निश्चित तौर पर जितना जिसका अपराध होगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इसी पॉलिसी में हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के नेता SBI और LIC में अडानी ग्रुप की दखल अंदाजी को लेकर विरोध कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज राजधानी देहरादून में भी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज तमाम महिलाओं ने LIC कार्यालय के बाहर पर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार मामले पर जांच नहीं करती तब तक कांग्रेस का सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। अगर इस पे जांच नहीं हुई, अगर सरकार इस पे अभी भी चुप्पी साधे रही तो देख जनता भी देख रही है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि हम एज ए विपक्ष हमारी जो जिम्मेदारी है जब तक कि सरकार इस पे कोई भी स्टेप नहीं खड़ा करेगी, जांच के आदेश नहीं देगी अडानी ग्रुप के खिलाफ जो इन्होंने शेयर बाजार में मैनिपुलेशन करी है, तो हमारी जो लड़ाई है वो सड़कों पर ऐसे ही आप लोगों को नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है और इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती घोटालों की जांच कराकर युवाओं को न्याय दिलाने का काम कर रही है, मगर कांग्रेस अपना ही राग अलाप रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान उत्तराखंड विरोधी और उत्तराखंड के युवाओं का विरोधी है। लोक सेवा आयोग बहुत तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि तेजी से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आ रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में कांग्रेस अगर ये कहती है कि सारी प्रक्रिया रोक दी जाए तो उसका मतलब ये है कि वे राज्य के युवाओं के जो हित हैं उन पर कुठाराघात कर रही है। रामनगर में अजब गजब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जाम के झाम से निपटने के लिए 2 साल पहले रामनगर में 20 लाख रुपए की ज्यादा की लागत से ट्रैफिक लाइट को लगाया गया, मगर इन 2 सालों में ट्रैफिक लाइट सुचारू रूप से काम ही नहीं कर पाई। बावजूद इसके ट्रैफिक लाइट का बिजली का बिल 31,000 रुपये आ गया और अब इस चूक का खामियाजा सरकार को उठाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर SP सिटी ने बताया कि ग्रीन और रेड सिग्नल को एडजस्ट करने में समस्या आई और सही काम ना करने की दूसरी वजह सेंसर को भी बताया गया। कहा यह भी गया कि जल्द ही व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। जो पहले ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी उसमें जो ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का टाइम है उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, और कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उसमें सेंसर नहीं लगा हुआ है। अगर उसमें सेंसर लग जाएगा तो ट्रैफिक लाइट्स बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगी, बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल होगा। वर्तमान में वो काम नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया कि उसकी टाइमिंग चेंज करने के लिए, और अगर उसकी टाइमिंग चेंज नहीं होती जो बिजली का कनेक्शन है उसको वहाँ से कटवा दिया जाएगा ताकि अनावश्यक रूप से बिजली का बिल ना आए। वहीं फर्जी डॉक्टर मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अब टिहरी से फर्जी डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। बताया कि आरोपी ने साल 1991 में फर्जी डॉक्टर की डिग्री, फर्जी डॉक्टर गिरोह के मास्टरमाइंड इमलाक से BAMS की डिग्री 6 लाख रुपए में खरीदी थी। आरोपी इस फर्जी डिग्री के आधार पर साल 2017 से प्रैक्टिस भी कर रहा था। आरोपी के पास से पुलिस को मिले दस्तावेजों में यूक्रेन से जारी MBBS की डिग्रियां भी शामिल है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए फर्जी डिग्री मास्टरमाइंड इमलाक ने खुलासा किया कि उसने 1,200 फर्जी डिग्रियां बेची है। पुलिस ने इस मामले में ये 12वीं गिरफ्तारी की है, साथ ही अन्य शहरों पर भी फर्जी डॉक्टरों की तलाशी हो रही है।
जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है ये राजेंद्र प्रसाद बुनियाल है, तिहरी के रहने वाले हैं और इनको ये वर्तमान में सत्यों में अपने फर्जी बीएमएस के डिग्री के माध्यम से ये वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पास बीईएमएस का सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वहाँ उन्होंने डिग्री है लेकिन बीएमएस का उन्होंने इमला के माध्यम से फर्जी बरामद किया था और ये वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे सत्यों में टेहरी में, तो उसकी अरेस्टिंग हुई है। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के पास बह रहा शौच का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। शहीद स्मारक के इर्द गिर्द स्वच्छता को पलीता लगाने का काम खुलेआम हो रहा है। मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने नगर पालिका को मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जल्द ही मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है तो उसके क्रम में एसडीएम और ईओ के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। भूमाफिया समेत तमाम अपराधियों पर देहरादून पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लगभग 150 से अधिक अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने पहले चरण में 13 भूमाफिया चिन्हित भी किए जिसमें दीपक मित्तल समेत कई लोग और महिलाएं शामिल है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि दीपक मित्तल, अमित और पूजा बेदी समेत 13 भूमाफिया की संपत्ति जो है उसका ब्यौरा जुटाया गया है। चल अचल संपत्ति तकरीबन 10 करोड़ की है। बिल्कुल, जितने भी अभी तक आइडेंटिफाई हमने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करी है और जिन लोगों के पास अपने गलत मतलब क्रियाकलापों से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए जो संपत्ति परिसंपत्तियां अर्जित की गई हैं तो उनको सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, उसमें पुलिस और राजस्व विभाग दोनों बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं और कई जगह पर MDDA और आपके जो अन्य विभाग हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। रुड़की में नियम कानून को ताक पर रखकर मकान मालिक भवनों का निर्माण कर रहे हैं। आलम यह है कि क्षेत्र में घर बनाए जाने के लिए नक्शा तो पास है, बावजूद इसके HRDA से पास नक्शे के अनुरूप भवनों को बनाया जा रहा है। मामला कृष्णनगर और शेरपुर का है जहां पर आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि इन घर स्वामियों को प्रशासन का डर नहीं है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत का कहना है कि जांच के लिए अधिकारियों को भेजा जाएगा। उसका मानचित पास है, हमारे जो शेरपुर एरिया में जो भी मानचित्र है सारे लगभग पास है। अब पर्टिकुलर निर्माण में आप कह रहे हो कि मानचित्र अधिकारी ने देखा होगा, जी ने जो है, फिर भी मैं विस्तृत जांच करूंगा। बट इसका जो हमारे मेरे को पूरे नॉलेज में है कि जो बाईपास हो चाहे ये मेन कोर कॉलेज तक जो भी हमारी जो इंटर रोड होती है, मोस्ट हमारे अधिकतर हमारे नक्शे मोस्टली 90% पास है। राजधानी देहरादून में DGP के नाम से पुलिस को डोनेशन देने के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आने के बाद DGP ने दौलत कुंवर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में कार्रवाई करते हुए विकासनगर पुलिस ने दौलत कुंवर और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, साथ ही दौलत कुंवर को गिरफ्तार भी किया। पुलिस जल्द दौलत कुंवर के बेटे को भी गिरफ्तार करेगी। बता दें कि सोमवार को दो वकीलों ने DGP से मुलाकात कर इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। तब ये व्यक्ति जो है वकील साहब चले गए DE साहब के पास, अपनी पूरी बात रखी उन्होंने, FIR लेकर के ये जो दौलत कुंवर है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया, इनके और उनके बेटे हसीबम मामला पंजीकृत किया गया। दौलत कुंवर की अरेस्टिंग हो गई है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और विवेचना वर्तमान प्रचलित है और निकट भविष्य में बहुत जल्दी जो है इनकी लड़के की गिरफ्तारी होगी। रामनगर में एक रिजॉर्ट कर्मी ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। हालात बिगड़ती देख साथी कर्मचारी ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान कर्मी ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनते ही कर्मी के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक मूल रूप से बागेश्वर का निवासी बताया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। देखिए, कल एक मेमो प्राप्त हुआ था थाना रामनगर को, जिसमें एक पवन नामक व्यक्ति द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हमारे द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का है, फिर भी पुलिस हर पहलू की जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, लड़का करता क्या था? ये किसी रिजोर्ट में जॉब करता था, इस संबंध में आवश्यक जानकारी की जा रही है।
राजधानी देहरादून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार ट्रैफिक पुलिस कार्यवाही कर रही है और साथ ही चेतावनी भी दे रही है, मगर फिर भी यातायात के नियमों को नजरअंदाज कर रहे जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन को क्रॉस कर रहे लोगों पर कार्यवाही होगी। राहगीरों को रोड क्रॉस करने में समस्या आती है। बता दें कि अब पुलिस जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन क्रॉस करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही करेगी। तो एक अच्छा सुझाव आपके द्वारा किया गया है और हम इस पे कंप्लायंस जरूर करेंगे। साथ ही आपके माध्यम से मैं सारे लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो क्रॉसिंग है वो नॉट नेसेसरी जेब्रा क्रॉसिंग से ही आप लोग करते हो, तो मैक्सिमम जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। जब भी ग्रीन लाइट चालू हो और उस डायरेक्शन से ट्रैफिक चल रहा हो तब क्रॉसिंग ना करें, ये भी एक समस्या है और इसमें आपको बदलाव जरूर दिखे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लीजिए हेडलाइंस पर। नमस्कार। हल्द्वानी वासियों को बड़ी सौगात, 38 करोड़ की लागत से बने एसटीपी प्लांट का सीएम धामी ने किया लोकार्पण, इंटरनेशनल लेवल पर चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा। हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में टली सुनवाई, उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त, अब 2 मई को होगी अगली सुनवाई। दायित्व बंटवारे की हलचल बढ़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज, शासन ने तलब किया खाली पदों का ब्यौरा, कांग्रेस को भी इंतजार। और खनन समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, खनन माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप, बीजेपी का पलटवार, अफरातफरी का माहौल बना रही कांग्रेस।